गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारी परसेंटेज की 11 क्लास है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इनकम टैक्स कमीशन के बेस के क्वेश्चन। आज की क्लास हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी नई चीज़ें समझने को मिलेंगी। ठीक है, एक और रिक्वेस्ट आप लोग से, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको चीज़ें पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक चीज़ होता है, जब हम जॉब की बात करते हैं ना, तो एक होता है इनकम, ठीक है, कुछ ना कुछ हमारी इनकम होती है। एक होता है टैक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स, और एक आपका होता है नेट इनकम। ठीक है, क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं उसको रटने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तीन चीज़ें होती हैं, एक आपका इनकम, एक आपका इनकम टैक्स, और एक आपका होता है नेट इनकम। आपको पता है, जब भी हम इनकम में से इनकम टैक्स को माइनस करते हैं तो क्या बनता है? नेट इनकम। क्लियर? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए किसी पर्सन की जो इनकम है वो है 40,000। जो इनकम है वो कितनी है आपकी? 40,000। और सपोज दैट उसमें से वो टैक्स पे कर रहा है 2,000। टैक्स कितना पे कर रहा है? 2,000। तो जो उसकी नेट इनकम होगी वो क्या होगी? 38,000। क्लियर? ये तो बहुत छोटी सी बात है कि अगर हमने मान लिया किसी पर्सन की इनकम 40,000 है, इसमें से अगर वो 2,000 टैक्स पे कर दे रहा है तो उसकी नेट इनकम कितनी होगी आपकी? 38,000। हम इनकम को कांस्टेंट रखते हैं, जैसे आगे भी हमने रखा 40,000, और सपोज दैट इनकम टैक्स है आपका 3,000, तो पर्सन की जो नेट इनकम होगी वो क्या होगी? 37,000। क्लियर? 40,000 इनकम थी, 3,000 क्या है? इनकम टैक्स। तो नेट इनकम क्या हो जाएगी? 37,000। अभी भी हम इनकम को रखते हैं 40,000 और इसको हम करते हैं 5,000, तो जो हमारी नेट इनकम होगी वो क्या होगी आपकी? 35,000। अब यहां से एक छोटी सी बात हम लोग समझते हैं कि हमने इनकम को क्या रखा हुआ है? कांस्टेंट रखा हुआ है। ठीक है, यानी किसी पर्सन की इनकम में हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। हम चेंजेस किस में कर रहे हैं? टैक्स में कर रहे हैं। तो अब आप ध्यान से समझिए कि अगर यहाँ पे से यहाँ पे टैक्स क्या हो रहा है, पहले इनकम टैक्स कितना था? 2,000। अब इनकम टैक्स कितना है? 3,000। तो नेट इनकम जो है वो आपका 1,000 क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यानी अगर ये 1,000 इंक्रीज हो रहा है तो ये 1,000 क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ऐसे ही अगर ये 2,000 इंक्रीज हो रहा है तो ये आपका 2,000 क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? यानी यहां पे एक छोटी सी बात हमें समझनी है कि उसका टैक्स क्या था, क्या हो रहा है, हमें ये बात नहीं समझ, हमें ये समझना है कि जितना टैक्स में चेंज हो रहा है। क्लियर? यानी चेंज इन टैक्स, चेंज इन इनकम टैक्स इक्वल टू, आप देखिए यहां पे चेंजेस कितने का हुआ? 1,000 का है। या हम कह सकते हैं इससे बेटर कि इंक्रीज इन इनकम टैक्स इक्वल टू, इनकम टैक्स कितना इंक्रीज हुआ? 1,000। तो यहां पे क्या आ रहा आपका? डिक्रीज इन नेट इनकम। समझ में भाई आई बात? ये 2,000 है, 5,000 है, हमें ये नहीं समझना है। हमें ये समझना है कि जब भी पर्सन की इनकम क्या है? कांस्टेंट है, तो हम इनकम टैक्स को जितना बढ़ा रहे हैं नेट इनकम उतना ही क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यानी यहां पे जो चेंजेज है और यहां पे जो चेंजेज है वो क्या है? सेम है। ये क्या था, क्या हो रहा है, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। सपोज जैसे यहां पे मैंने बता देता 10,000, तो यहां पे क्या हो जाता? 30,000। 10,000 से ये 15,000, तो ये क्या हो जाता? 25,000। यानी चेंजेस कितने का हुआ? 5,000 का। तो इधर भी चेंजेस कितने का हो रहा है? 5,000 का। क्लियर? यानी आपको ये एक पॉइंट समझना है। इससे क्या होगा कि आप बड़े से बड़े फॉर्मूले से ना बच जाएंगे। और ये समझना नहीं, ये तो आपको सामने दिख रहा है, ये मैंने बस आपको लिख दिया है कि थोड़ी सी चीजें मेमोराइज हो। ठीक है, कि इंक्रीज इन इनकम टैक्स, यानी जितना इनकम टैक्स इंक्रीज होगा नेट इनकम उतना ही क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर?
और इसी के बेस पे हम लोग इसके क्वेश्चन को आज की क्लास का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%। यानी जो इनकम टैक्स का रेट है, यहां पे लिख देते हैं हम लोग इनकम टैक्स और यहां पे आपका आ गया नेट इनकम। क्लियर, ये वैल्यू आपको पता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%। हमें नहीं पता तो हम यहां पे कुछ लेट करते हैं, लेट इनकम जो है वो आपका है 100 रुपीज एंड रेट ऑफ इनकम टैक्स वो है R%। ठीक है, आरी बात में हमने क्या लेट किया है कि इनकम जो है वो 100 रुपीज और रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है वो क्या आपका R%। अगर इस वैल्यू को हम यहां पे पुट करें तो आपको पता है इनकम कितनी है 100 और इनकम टैक्स का रेट कितना है R%। एक चीज बताइए, 100 का हम कोई भी परसेंटेज निकालते हैं तो सेम वैल्यू होती है। जैसे 100 का 10% 10, 100 का 20% 20, 100 का 50% 50, ऐसे ही 100 का R% क्या होगा R। तो जो नेट इनकम होगा वो क्या होगा 100 माइनस R। क्लियर, हमने इनकम को क्या माना 100, इनकम टैक्स को क्या मान लिया R%। तो 100 का R% क्या होना R होना है, तो नेट इनकम क्या होगा 100 माइनस R। अभी मैंने पीछे आपको समझाया कि जितना टैक्स बढ़ेगा नेट इनकम उतना ही क्या होगा कम होगा। ठीक है, जितना भी टैक्स हम इंक्रीज करेंगे, जैसे ये मान लीजिए कि R+10 हो जाता तो ये 10 क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ये R+20 होगा तो ये 20 क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%। तो हमें इंक्रीज वैल्यू, तो पहले क्या था R, कितना इंक्रीज हुआ 19%, यानी 19/100। ये नहीं कि 119 कर दिए, 119 का मतलब आप नई वैल्यू निकाल दो। मैंने क्या बताया था इंक्रीज वैल्यू, तो R का कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है 19%, यानी R × 19/100। ये क्या हो गया इंक्रीज इन इनकम टैक्स, यहां पे मैं लिख देता हूं ताकि पिछले वाले से आप मैच करा सकें, इंक्रीज इन इनकम टैक्स इक्वल टू यहां पे हमने क्या लिखा था डिक्रीज इन नेट इनकम। नेट इनकम में कितने का डिक्रीज हो रहा है 1% का, यानी 100 - R × 1/100। क्लियर, अब यहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो अब देखिए क्या होगा, ये सीधे सीधे 100 से 100 कैंसल, 19R = 100 - R, 20R = 100, देन R = 5%। और R हमारा क्या था इनकम टैक्स का रेट था, यानी कितने परसेंट इनकम टैक्स है 5%। क्लियर, आगे बात समझ में, क्वेश्चन सेम जो मैंने पिछला बताया उसी के बेस पे कि कितना इनकम टैक्स इंक्रीज हुआ है नेट इनकम उतना ही क्या होगा डिक्रीज होगा। क्लियर, नोट कर लें इसको। इसी पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 23%। यानी यहां पे 19% था, जो हम लोग सेकंड क्वेश्चन में उसकी बात कर रहा हूं, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। यहां पे इनकम टैक्स कितना बढ़ रहा है 23%, यानी हम लिखेंगे तो क्या करेंगे R × 23/100। आगे क्या कह रहा है आपका, नेट इनकम इज डिक्रीज बाय 2%, यानी ये क्या बन जाएगा 100 - R × 2/100। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, R × 23/100 = 100 - R × 2/100 कैंसल, 23R = 200 - 2R, 25R = 200, देन R = 8%। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, बस 19 की जगह 23 और 1 की जगह 2 दिया हुआ है। क्लियर, चलें इसको नोट कर लें, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इनकम माइनस इनकम टैक्स नेट इनकम, जितना इनकम टैक्स बढ़ेगा नेट इनकम उतना ही क्या होगा कम होगा, तो आपको किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनकम ऑफ अ मैन इज इंक्रीज बाय 1800।
यानी किसी मैन की इनकम जो है वो 1800 क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हमने ये मान लिया कि जो इसकी इनकम है, इनिशियल इनकम, वो कितनी है, एक्स रुपीज। तो जो न्यू इनकम होगी वो क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में, कि इनकम ऑफ ए मैन इज इंक्रीज बाय 1800, यानी न्यू इनकम होगी एक्स प्लस 1800 रुपीज। आगे क्या कह रहा आपसे, पेएबल टैक्स इज डिक्रीज फ्रॉम 18 to 15%, यानी यहां पे जो टैक्स है वो क्या है 18% है, और यहां पे जो टैक्स है वो क्या है 15% है। आगे आपसे क्या कह रहा है, इन बोथ केसेस 29.95% इनकम इज टैक्स फ्री, यानी दोनों केस में 29.95% इनकम जो है वो क्या है, टैक्स फ्री। ठीक है, इतनी इनकम इसकी क्या है, टैक्स फ्री। ये देखिए वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, इस वैल्यू से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है आरी बात में, क्योंकि दोनों में उतने का क्या मिल रहा है, उसको छूट मिल रहा है। अभी मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि इसका कोई मतलब नहीं है, वो ऐसी वैल्यू देंगे जिससे आप डर जाए देख के। कह रहा है दोनों केस में टैक्स क्या है, सेम है। तो हम फर्स्ट केस में लिखते हैं, तो पर्सन की इनकम क्या है एक्स, और 29.95 क्या है, टैक्स फ्री है, तो पे कितने पे करेगा, 70.05 पे। ये जो इनकम है ये आपका क्या है, टैक्सेबल इनकम है। एक्स उसकी इनकम थी 29.95% पे, उसको छूट मिल गई, तो पे कितने पे करना पड़ेगा, 70.05% पे। कितना परसेंट, 18%। यानी यही फर्स्ट केस में क्या होगा आपका, टैक्स होगा, इनकम एक्स 29.95 फ्री, यानी पेएबल कितना होगा 70.05 और इसका 18%। सेकेंड केस में आते हैं हम, सेकेंड केस में इनकम कितनी है, एक्स प्लस 1800, यहां पे भी कितने की छूट है, 29.95 की, तो कितना पे करना पड़ेगा, 70.05। यहां पे टैक्स का रेट कितना है, 15%। ये हो गया हमारा सेकेंड केस में टैक्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों केस में जो आपका टैक्स है वो क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ, तो सेम कर लीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू से क्या हो जाएगी, कैंसल। समझ में आ रही बात, ये पूरी की पूरी वैल्यू इस वैल्यू से क्या हो जाएगी, कैंसल। यानी इससे क्वेश्चन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी आगे के क्वेश्चन में जब भी ऐसा आएगा कि इतना परसेंट इनकम टैक्स फ्री इन बोथ केसेस, तो आप उसको निगलेक्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, जैसे यहां पर देखिए हम इसको लिखते या नहीं लिखते कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगला क्या होगा, 100 से 100 कैंसल, और छोटा कर लेते हैं, 36 जा 35 जा, क्या बना ये, 6x इक्वल टू 5x प्लस 18, 5 जा 9000, यानी यहां से x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 9000। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, x की वैल्यू आ गई 9000, फाइंड इनिशियल इनकम। तो इनिशियल इनकम हमने क्या माना हुआ, x, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 9000। अगर पूछा जाता फाइंड न्यू इनकम, तो 9000 में 1800 को ऐड कर लेते, यानी अगर न्यू इनकम पूछा जाता या इंक्रीज इनकम, तो वो क्या हो जाता, 10800। बस यही आपका क्वेश्चन था, आरी बात में सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, कि न्यू इनकम आपका एक्स, न्यू इनकम एक्स प्लस 18000, यहां पे 18% टैक्स, यहां पे 15% टैक्स, दोनों केस में टैक्स क्या है, सेम है, दोनों को हमने सेम करके बस इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर, नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप का देखते हैं। क्या कह रहा है, इनकम ऑफ ए पर्सन इज डिक्रीज बाय 3000। तो हमने मान लिया इनिशियल इनकम क्या है आपका एक्स, तो न्यू इनकम एक्स माइनस 3000। आगे क्या कहा जा रहा है आपसे, रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज फ्रॉम 15 to 18%, यानी यहां पे आपका इनकम टैक्स कितना था 15%, यहां पे इनकम टैक्स कितना है 18%, यानी आपका इनकम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ टैक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आगे क्या कह रहा है,
कि 26.5% इनकम इज टैक्स फ्री। ये इनकम क्या है आपकी? टैक्स फ्री। ये दोनों केस में है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है, इस क्वेश्चन में भी देखा है, फिर भी मैं आपको लिख के बता देता हूं। फर्स्ट केस में इनकम टैक्स एक्स 26.5 क्या है आपका फ्री है, यानी पे कितने पे करना पड़ेगा? 73.5 पे। कितना परसेंट? 15%। ये हमारा हो गया फर्स्ट केस का। दोनों केस का रेशियो दिया हुआ था, ये हमने लिख लिया फर्स्ट केस। सेकेंड केस में क्या होगा आपको पता है, एक्स माइनस 3000, यहां पे भी 26.5 टैक्स फ्री, तो बचा कितना? 73.5/100, कितना रेट है? 18%। दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ आपका? 3:2। आप देखिए ये वैल्यू फिर यहां से यहां क्या हो गई, कैंसल हो गई, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 100 से 100 कैंसल, 3 5 जा 3 6, यानी हम इसको लिखते हैं तो क्या बनेगा, ये 5x/(x-3000)/(6/3/2)। अब देखिए यहां पे क्या होगा, 2 से 6 क्या होगा कैंसल, 3 3 जा 9, यानी 5x=9x-27000। 27000 को इधर ट्रांसफर करते हैं, 5x को इधर, यानी 4x=, क्या हो जाएगा आपका? 27000। देन x=6750। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड इनिशियल इनकम। तो इनिशियल इनकम हमारी क्या है? x, और यहां पे कितना आया? 6750। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बस यही क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन की तरह था, वहां पे दोनों सेम दिया था, यहां पे इसका क्या दे दिया है? रेशियो दिया हुआ। क्लियर, नोट करें इसको। नेक्स्ट जो आपका टाइप जो है, इसमें अभी हमने दो चीजें देखी थी, एक आपका इनकम टैक्स पे, दूसरा क्या था कि टैक्स और कैसे हम चीजों को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो आपके हैं कमीशन बेस्ड। तो इस कमीशन बेस में 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टोटल जो इसमें टाइप्स आता है कमीशन का, वो आपका 3 टाइप्स का क्वेश्चन आता है। अब इसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन बेसिक से भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट वाइज भी बताऊंगा, और बाय ऑप्शन कैसे करते हैं हम क्वेश्चन को ये भी आपको बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आपको कम से कम टाइम में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन के साथ हम लोग समझते हैं चीजों को। जैसे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट टाइप्स जो है इसमें का, और सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन, यानी जो सेल्समैन है उसको 12% कमीशन मिल रहा है ऑन द सेल बाय हिम अप टू ₹15,000, यानी 15,000 तक वो जो भी सेल करेगा उस पे कमीशन कितना मिलेगा उसको? 12%। ठीक है, ये अप टू है, मतलब आपका 15,000 करो, 14,000 करो, मतलब 15,000 तक आप कुछ भी सेल करो आपको कमीशन कितना मिलेगा? 12% जो भी आपकी सेल का अमाउंट होगा। क्लियर, आगे क्या कह रहा है, एंड एडिशनल बोनस ऑफ 1%। तो 12% तो ऑलरेडी कमीशन था, और 1% का बोनस, यानी अब कितना कमीशन हो गया? 13% जो भी आप 15,000 प्लस सेल करोगे। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो किसी ने 17,000 का सेल किया टोटल, तो 17,000 सेल करने का मतलब 15,000 पे कमीशन कितना मिलेगा? 12%। और जो एक्स्ट्रा आपका प्लस सेल है, यानी कितना? 2000, उस 2000 पे कमीशन कितना मिलेगा? 13%। क्लियर, अब आगे क्वेश्चन क्या करा, इफ हिज टोटल अर्निंग आर ₹7650, जो सेल्समैन को टोटल अर्निंग मिली है वो कितनी मिली है? 7650। तो हमें बताना है कि उसका टोटल सेल क्या होगा। क्लियर, आगे बात समझ में, उसका टोटल सेल क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। क्लियर, आदिवासी में ये आपका क्वेश्चन है कि कोई सेल्समैन है उसको जो है 12% कमीशन मिलेगा अप टू द सेल ऑफ 15,000, 1% का एडिशनल बोनस, यानी अब कमीशन कितना हो गया? 13% 15,000 के ऊपर सेल पे। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि उसकी टोटल सेल क्या थी अगर उसको कमीशन कितना मिला? 7650। क्लियर, सबसे पहले अगर मैं बेसिक की बात करूं कि अगर मुझे इसको बेसिक से सॉल्व करना है, ठीक है,
तो हमने उसको देखा कि 15,000 के ऊपर, मान लीजिए 15,000 के ऊपर जो उसका सेल है वो क्या है, एक्स है, ठीक है। 15,000 के ऊपर जो उसका सेल है वो क्या है, एक्स है, यानी 15,000 के ऊपर जो सेल कर रहा है वो आपका क्या है, एक्स। तो अगर हम उसका कमीशन बनाएं, जैसे मान लीजिए आपने 20,000 का सेल किया, तो आप कमीशन कैसे बनाएंगे कि 15,000 का 12% प्लस, मान लीजिए आपने 20,000 का सेल किया, तो 20,000 सेल का मतलब 15,000 यहां पे आ गया, तो यहां पे कितना आया, 5,000 का आप क्या करेंगे, 13% और इक्वल टू कितना बनेगा आपका, 7650। तो हमने 15,000 के ऊपर सेल क्या माना हुआ है, x, तो हम क्या लिखेंगे, x इंटू 13/100। क्लियर। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1800 प्लस x इंटू 13/100 इक्वल टू 7650। ये 1800 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो x इंटू 13/100 इक्वल टू वैल्यू माइनस होगी 058, ठीक है, और आपका ये 6-1 5, 13 से ये कैंसिल होगा, 13 4 52 65, यानी यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 45,000। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, टोटल सेल, तो उसने 15,000 के ऊपर सेल कितना किया है, x, और इधर सेल कितना है, 15,000। तो जो टोटल सेल होगा वो क्या हो जाएगा, 15,000 प्लस 45,000 यानी 60,000। ये रहा प्रॉपर आपका बेसिक से, कि हमने उसको ऊपर के सेल को क्या मान लिया, x। दूसरा क्या है कि इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज करें, ठीक है, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे कि दो तरह का उसके पास है, एक है 15,000 और दूसरा आपका है प्लस 15,000। इधर का आपका कमीशन क्या है, फिक्स है, बात समझ में आ रही, इधर का कमीशन आपका क्या है, फिक्स है, कितना, 12%, इधर का कमीशन कितना है, 13%। इधर का अमाउंट नहीं पता है, बट इधर का अमाउंट हमें पता है, तो इधर 15,000 का 12% यानी कमीशन कितना हो गया, 1800। उसका टोटल कमीशन कितना है, 7650, तो उसमें से 1800 अगर इधर का है तो बाकी जो बची हुई वैल्यू होगी 5850, वो किधर का होगा आपका, इधर का होगा, क्योंकि टोटल सेल हमने कितना, टोटल कमीशन कितना है, 7650, तो 12% यानी 1800 इधर, तो बच गया बैलेंस वो क्या है, 5850। इधर जो कमीशन का रेट है वो क्या आपका, 13%, तो 13% की वैल्यू 5850, तो 1% की वैल्यू 450, तो 100% की वैल्यू 45,000। हमसे पूछा गया टोटल सेल, तो इधर का सेल है 45,000, इधर का सेल है 15,000, तो टोटल सेल क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे, यानी 45,000 प्लस 15,000 यानी फाइनली क्या हो गया, 60,000। थर्ड क्या था ऐसे क्वेश्चन को, जो सबसे इजीएस्ट वे है, वो आपका है बाई ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन को करने का जो सबसे आसान तरीका है वो आपका क्या है, बाई ऑप्शन। बट बाई ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो क्या होनी चाहिए, बहुत ही फास्ट होनी चाहिए। जैसे इसमें पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है 60,000। अब हम यहाँ पे बाई ऑप्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 60,000 तो दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक क्या हो गया हमारा 15,000 और इधर क्या हो गया 45,000। इधर जो कमीशन है वो कितना है, 12%, इधर जो कमीशन है वो कितना आपका, 13%। इसको कैलकुलेट करेंगे यानी ये वैल्यू आ गई 1800, इधर कैलकुलेट करेंगे 0 53 65 53 58 5850, दोनों को ऐड किया 7650, और हमारे क्वेश्चन में भी कमीशन कितना है, 7650। तो ये ज़्यादा आसान होता है, बट आपकी कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। वैसे ये भी सही है कि आप दोनों पार्ट को अलग अलग कर दीजिए और ये आपका प्रॉपर क्या हो गया, बेसिक हो गया। तो ये इसमें का फर्स्ट टाइप्स का क्वेश्चन था, क्लियर। चले नोट कर लें इसको। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, नेक्स्ट टाइप जो है, ठीक है, मैंने बताया था कि 3 टाइप्स के होते हैं टोटल क्वेश्चन। सेकेंड टाइप्स क्या है, अ कंपनी गिव्स 9% कमीशन ऑन हिज सेल्समैन अप टू सेल ऑफ ₹15,000। यानी यहां पे 9% कमीशन है अप टू
15,000, ठीक है, 15,000 तक कितना आपका 9% कमीशन है एंड 7% कमीशन, अब यहां पे देखिए उल्टा हो गया, 7% कमीशन अबव 15,000। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या दिया हुआ था कि कमीशन टोटल दिया हुआ था, सेल बताना था। अब यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा सा समझिएगा, कि जो सेल्समैन है वो कंपनी में 32,250 रुपीज डिपॉजिट करता है। कंपनी में डिपॉजिट कितना करता है वो 32,250 रुपीज आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन। जैसे समझिए यहां पे थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली, कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आपको 10% कमीशन मिल रहा है, तो जो भी आप सेल करेंगे उसमें आपको 10% कमीशन आपने अपना कट कर लिया, तो कंपनी में जमा कितना करेंगे 90%। बात समझ में आ रही है? तो जो ये डिपॉजिट अमाउंट होता उसको हम 90% से क्या कर देते, कंपेयर कर देते। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि कमीशन अलग अलग है, 9% भी है और 7% भी है। बात समझ में आ रही है? दो तरह का कमीशन, एक 9% और एक 7%। अगर ये कमीशन 9% होता, जैसे आप कहीं पे जॉब करो और आपका कमीशन कितना है 9%, तो जो भी आप सेल करोगे उसमें से आप अपना 9% लोगे, बाकी आपका 91% कंपनी में डिपॉजिट कर दोगे। अगर आपका कमीशन 7% होता तो आपने 7% लेते और बाकी 93% आप क्या करते, कंपनी में डिपॉजिट कर देते। क्लियर? लेकिन यहां पे ऐसी बात नहीं है। अब अगर हम यहां पे बात करें तो हम ये मान लेते हैं, अगर इसको हम बेसिक से सॉल्व करें सबसे फर्स्ट, तो हमने मान लिया कि जो अबव 15,000 है वो आपका कितना है, एक्स रुपीज है। एवन 15,000 जो है वो आपका क्या है, एक्स रुपीज है। तो अगर हम टोटल सेल की बात करें तो जो टोटल सेल आपका बनेगा 9% कमीशन अप टू 15,000, यानी 15,000 का 9%, ठीक है, प्लस बचा कितना आपका एक्स, या हम टोटल सेल मान लेते हैं यहां पे, सपोज दैट कि हमने मान लिया, लेट टोटल सेल, क्योंकि टोटल सेल पूछा गया, वो हमने मान लिया एक्स रुपीज। तो आप देखिए जब टोटल सेल एक्स रुपीज हो गया तो 15,000 तक उसको 9%, तो टोटल सेल एक्स है यानी 15,000, तो बचा हुआ सेल कितना होगा आपका एक्स माइनस 15,000, और इस पे कमीशन कितना होगा 7%। क्लियर? ये आपका हो गया कमीशन वन, ये आपका क्या हो गया कमीशन टू, और थर्ड पे आपका क्या आएगा डिपॉजिट, और यहीं मिलके क्या बनेगा टोटल सेल। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ रही बात, कि हमने टोटल सेल क्या मान लिया एक्स, तो 15,000 पे कमीशन कितना 9%, तो बचा हुआ सेल टोटल सेल एक्स है, उसमें से 15,000 लेस हो गया, तो बचा कितना एक्स माइनस 15,000। ये क्या है कमीशन, और ये क्या है डिपॉजिट, कमीशन प्लस डिपॉजिट मिलकर क्या बन गया आपका टोटल सेल। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहां से आपका क्या बन जाएगा 1350 प्लस 7x बाई 100 माइनस 1050 प्लस 32250 इक्वल टू एक्स। अब यहां पे हम इस वैल्यू को उधर ले जाते हैं, बाकी सारी वैल्यू को इधर लेते रहते हैं, यहां पे कैलकुलेट करते हैं, तो आपका 1350 यानी 300 इसमें ऐड होगा, तो ये बन जाएगा 32350 इक्वल टू, ये वैल्यू उधर जाके माइनस होगी, तो x माइनस 7x बाई 100 32350 इक्वल टू 93x बाई 100, ये इससे कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में 350। यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 35,000, यानी जो टोटल सेल बना वो आपका क्या बना 35,000, और यही हमसे पूछा गया था। तो पहला तरीका तो ये था। दूसरा, अगर हम इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज समझें तो हम ये देखते हैं, यहां पे समझते हैं कि ये हमारा हो गया 15,000 और इधर हो गया आपका 15,000 प्लस, यहां पे कमीशन कितना है 9%, यहां पे कमीशन कितना है 7%, और जो कंपनी में डिपॉजिट है वो क्या है 32250। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि जो इधर का सेल है ये डिसाइडेड नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर दोनों जगह कमीशन 9% होता
तो ये डिपॉजिट आपका कितना होता 91%। अगर दोनों जगह कमीशन 9% होता तो डिपॉजिट कितना होता 91%। तो हम इसको 91% से कंपेयर कर देते, 100% की वैल्यू निकाल देते। अगर दोनों जगह कमीशन 7% होता तो ये वैल्यू कितने की होती 93% की। आप समझ रहे हैं बात को। जैसे अगर हमें 10% या 20% कमीशन मिल रहा है तो हम अपना कमीशन 20% साइड किए तो कंपनी में डिपॉजिट 80%। ऐसे ही अगर दोनों जगह 7% कमीशन होता तो कंपनी में डिपॉजिट 93%। अब देखिए इधर का सेल नहीं पता है, अगर इधर भी कमीशन 7% होता, समझिए ध्यान से, अगर इधर भी कमीशन 7% होता तो दोनों जगह कमीशन कितना हो गया 7%, तो कंपनी में डिपॉजिट कितना होता है 93%। अब आपको एक छोटी सी बात समझनी है कि मान लीजिए कहीं आप जॉब कर रहे हैं, आपका कमीशन है 9%, अब आपका कमीशन हो गया 7%, तो जो 2% जैसे जब डिसाइडेड हुआ तो आपका कमीशन 9%, दो दिन बाद पता चला कि नहीं आपका कमीशन है 7%, तो उस केस में क्या होगा, जो 2% आपने लिया हुआ है वो 2% किसके पास चला जाएगा, कंपनी के पास। तो इसको जो 2% मिला हुआ वो किसका मिला हुआ है 15,000 का, तो 15,000 का 2% यानी कितना 300, ये किसके पास चला गया कंपनी के पास। तो कंपनी के पास डिपॉजिट कितना हो गया 32550। अब यहां पे भी कमीशन क्या है 7%, यहां पे भी कमीशन क्या है 7%। हमने इस कमीशन को क्या किया, ब्रेक किया है। इधर हम कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके पीछे रीजन क्या है कि इधर का सेल डिसाइडेड नहीं है, जो डिसाइडेड है वो इधर का सेल है। तो जब आपने 7% अब यहां पे आपका यहां भी 7% यहां भी 7%, तो कंपनी में डिपॉजिट कितना 93%, और इस 93% की वैल्यू कितनी है 32250, तो 1% की वैल्यू 350, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 35,000। तो ये हमारा था सेकेंड वे। थर्ड वे जो है आपका, वो मैंने बताया था कि हर हाल में आपका सबसे इजीएस्ट वे जो होता है इस तरह के क्वेश्चन का, वो क्या होता है, बाई ऑप्शन। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो आपका दिया हुआ है 40,000। समझिए, मैंने बताया था कि आपको हर हाल में कैलकुलेशन आपकी क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। तो 40,000 का मतलब इधर कितना है 15,000 और इधर कितना है 25,000। क्लियर, तो 15,000 25,000, तो 15,000 पे कमीशन कितना है 9% यानी 1350, और 25% पे कमीशन 25,000 पे कमीशन कितना है 7%, तो 25,000 का 7% यानी 1750। टोटल कमीशन कितना हो गया आपका 17, 23, 30, 3100। आप देखिए 40,000 में से 3100 को माइनस करेंगे तो कभी भी आपकी ये वैल्यू नहीं आएगी, यानी 40,000 तो कमीशन पॉसिबल नहीं, सॉरी 40,000 तो सेल पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं वैल्यू 40,000 से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि 40,000 पे चीजें नहीं हो पा रही है। सेकेंड ऑप्शन जो है, अब आप देखिए यहीं पे आपका सारा काम खत्म हो गया। सेकेंड ऑप्शन है 42,000। जब 40,000 नहीं पॉसिबल है तो 42,000 भी नहीं पॉसिबल है। थर्ड ऑप्शन आपका क्या है 35,000, और फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है 45,000। तो अगर 40,000 नहीं पॉसिबल तो 42 भी नहीं पॉसिबल और 45 भी नहीं पॉसिबल, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका 35,000। यानी तीन तरीके हैं जिसमें अगर आप थोड़ा सा फास्ट करें तो सबसे आसान आपका क्या है, बाई ऑप्शन। क्लियर, नोट करें। फिर इसके बाद से हम लोग देखते हैं इसमें लास्ट टाइप्स का क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग इसके लास्ट टाइप्स पे, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्या करा, कंपनी अलाउ 9% कमीशन ऑन द टोटल सेल, मतलब 9% आपका कमीशन है टोटल सेल पे, आप जो भी सेल करोगे उस पे आपका क्या है 9% कमीशन है। आगे क्या कह रहा है, बट, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन है आपका, दो तरह की चीजें दी हुई है। ये फर्स्ट कंडीशन है कि आप इस पे जॉब कर लो, आपको टोटल सेल का क्या मिलेगा 9% कमीशन मिलेगा। जैसे आपने 50,000 का सेल किया, 9% कमीशन यानी 4500 आपको मिलेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है कि आपको 4000 की सैलरी मिलेगी, 4000 की आपको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, एंड 5% कमीशन मिलेगा आपको,
5% कमीशन मिलेगा सेल अबव 10,000, सेल अबव 10,000, क्लियर। कर द सेल्समैन गेट रुपीज 700 मोर, ठीक है, सेल्समैन को जो है वो 700 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं इस कंडीशन में, क्लियर। तो पूछा जा रहा है आपका कि टोटल सेल्स मेड बाय द सेल्समैन, सेल्समैन ने टोटल सेल कितना किया, क्लियर। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास जॉब करने की दो कंडीशन है, आप 9% कमीशन ले लो या आप 4,000 सैलरी ले लो और 5% कमीशन लो आप सेल अबव 10,000। अगर हम इसको बेसिक से करें तो हम यहां पे लेते हैं लेट टोटल सेल एक्स रुपीज, टोटल सेल क्या है एक्स रुपीज, तो फर्स्ट कंडीशन में जो कमीशन होगा वो एक्स का 9/100, क्लियर। फर्स्ट केस में आपका कमीशन क्या हो गया एक्स का 9/100। सेकेंड केस की अगर बात करें तो सेकेंड केस में उसको क्या मिलेगा 4,000 सैलरी प्लस 5% कमीशन सेल अबव 10,000, तो टोटल सेल एक्स, तो अबव 10,000 क्या होगा एक्स माइनस 10,000 इंटू कमीशन कितना आपका 5/100। ये जो वैल्यू है वो इससे 700 क्या है ज्यादा है, ये वैल्यू इससे 700 ज्यादा है, तो हमने इसमें 700 को क्या कर दिया ऐड कर दिया। ये आपका फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग था, ये सेकंड में है 4,000 सैलरी प्लस 5% कमीशन अबव रुपीज 10,000। बस इसको कैलकुलेट करते हैं, आप कटिंग मत करिएगा। 9x/100 इस 700 को उधर ले जाएंगे, ये देखिए x इंटू 5/100 यानी इधर आएगा 5x/100, ये 4,000 और ये 700 इधर जाके माइनस होगा 4,000 माइनस 700, इसको करेंगे 0 से 0 कैंसल माइनस 500, क्लियर। 9x-5x 4x/100 इक्वल टू 1200, इसमें से माइनस होगा यानी क्या बन जाएगा आपका 2800, 4 से ये 7 टाइम्स x की वैल्यू 70,000, यानी जो टोटल सेल उसका है वो क्या है 70,000। ये हमारा रहा प्रॉपर बेसिक। दूसरा अगर हम इसको थोड़ा सा समझ के करें तो एकदम आसान है, देखिए सेकंड केस में उसके पास सबसे पहले एक्स्ट्रा क्या जा रहा है 4,000, इसके पास सैलरी हमें पता है कि इधर कमीशन कितना है 9% और इधर कमीशन कितना है 5%, तो दोनों साइड जो कमीशन का गैप है वो क्या होगा 4% होगा। आरिबास में जो कमीशन का गैप है इधर 9% इधर आपका क्या है 5%, तो कमीशन का गैप क्या हो गया 4%, हमें 4% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो 4% का मार्जिन है वो सबसे पहले तो आपका 4,000 सैलरी है, जो 700 रुपए मिल रहे हैं वो नहीं मिलेगा, जो इसको 700 ज्यादा मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। दूसरा जो है आप देखिए कि इसको 9% कमीशन, इसको 5% कमीशन, लेकिन जो कमीशन है वो 10,000 के ऊपर है, यानी 10,000 तक इसको 5% कमीशन नहीं मिल रहा है, तो वो भी कमीशन क्या हो जाएगा माइनस, समझिए। इधर जो दोनों साइड जो गैप है वो कितने का है 4% का, इसके पास जो एक्स्ट्रा है वो क्या है सैलरी है, बट क्वेश्चन में 700 इसको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो नहीं रहेगा और जो 5% इसको मिलना चाहिए वो नहीं रहेगा, तो टोटल इधर वैल्यू कितनी आ जाएगी 2800, 4% की वैल्यू 2800, 1% की वैल्यू 700, तो 100% की वैल्यू 70,000। या आप ऐसे समझ लीजिए कि जो सैलरी है उसमें से आपको एक्स्ट्रा वैल्यू माइनस करना है और जो यहां पर जितने पे कमीशन नहीं मिला वो माइनस करना है, दोनों साइड का गैप आपका 4%, क्लियर। और मैं बार बार बोल रहा हूं, पीछे भी दोनों क्वेश्चन में बोला है कि जो सबसे आसान वे है वो आपका क्या है बाय ऑप्शंस, जैसे इसके ऑप्शंस अगर हम देखते हैं कि क्या है, बट ऑप्शन में आपको मैंने बोला है कि हमेशा आपकी कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए। जैसे इसका पहला ऑप्शन है, ठीक है, आपका पहला जो ऑप्शन है वो दिया हुआ आपका 30,000, यहां पे सब कुछ सही है 500, 7, 5, 12, ठीक है। पहला जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है इसमें वो दिया हुआ है 30,000,
तो हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं 30,000। तो 30,000 में सबसे पहले हमने कितना किया 10,000 यहां पे फर्स्ट कंडीशन में, तो 9% कमीशन। 9% कमीशन का मतलब 30,000 का 9% यानी कितना हो गया 2700 फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में उसको क्या है 4,000 सैलरी प्लस 4,000 सैलरी, इसके अलावा आपका 5% कमीशन। तो आप देखिए 5% कमीशन 30,000 में 10,000 पे नहीं 20,000 पे, तो 20,000 का 5% यानी कितना हो गया आपका 1,000, यानी वैल्यू कितनी बन गई 5,000। ये इससे कितना ज्यादा है 2300, क्वेश्चन में कितना ज्यादा मिल रहा है 700। सेकेंड जो आपका ऑप्शन है वो दिया हुआ है 70,000। अब इसको हम चेक करते हैं, तो 70,000 में पहले इसको कमीशन कितना मिल रहा है 9%, 9% का मतलब कितना हो गया 6,300। जो सेकेंड केस है, सेकेंड केस में उसको 4,000 सैलरी और 10,000 के ऊपर सेल कितना है 60,000, और 60,000 का 5%, 5% 60,000 का यानी कितना होगा आपका 3,000, 4,000 प्लस 3,000 कितना बन गया 7,000, दोनों वैल्यू में गैप कितने का है आपका 700 का, क्लियर। और यही हमारा 700 का गैप यहां पे भी है, यानी क्या बन जाएगा 70,000। बाई ऑप्शन चेक करने के लिए मैंने बताया कि आपकी बस कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। हमने यहां पे 30,000 है पहला, 2700 सीधे सीधे कमीशन, दूसरे में 10,000 तक आपको ये मिलेगा 4,000 सैलरी, और 20,000 का 5% 1,000, 4,000 प्लस 1,000 5,000 पॉसिबल नहीं है। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है 70,000, 70,000 पे फर्स्ट कंडीशन क्या है 9% कमीशन, 70,000 का 9% यानी 6,300, 10K तक कुछ भी नहीं बचा कितना 60K, 60,000 पे 5% कमीशन यानी 3,000, 4,000 प्लस 3,000 7,000 कितने का गैप 700 का, और यही हमसे दिया हुआ है 700 मोर। तो ये जो तीनों कमीशन बेस्ड क्वेश्चन थे, अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो सबसे इजीएस्ट वे आपका है बाई ऑप्शन। अदरवाइज मैंने आपको बेसिक से भी बताया, शॉर्टकट भी बताया, और थर्ड आपका है बाई ऑप्शन, क्लियर। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू। को सॉल्व कर लेंगे, आपको किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन।